الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد فما ظنكم برب العالمين جزا دین والا وہ سزا دین والا وہ جزا دین والا وہ سزا دین والا وہ ہر ایک دکھ کی دعا دین والا وہ ہر ایک دکھ دوا دین والا مانگتا ہے جو بھی اس صبر کے دل سے کسے اللہ تعالی سے مانگتا ہے جو بھی اس صبر کے دل سے وہ رحمتوں کے دریا والا وہ رحمتوں کے دریا بہا دین والا عیوب میں جس کو بیماری میں پکارا عیوب میں جس کو بیماری میں پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا وہ جزا دینے والا وہ سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند اشعار میرا حبی میرا مرشدی وہ نبیوں کا امام آیا کہہ سبحان اللہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میرا ہادی میرا مرشدی وہ نبیوں کا امام آیا افلاک پہ آ میرے پیارے افلاک پہ آ میرے پیارے تجھے اللہ کا پیام آیا وہ تانے لوگوں کے سہتے تھے وہ غم امت میں رہتے تھے وہ
साब वो शाकिर ऐसे वो साब वो शाकिर ऐसे कभी न मेरा मस्कन मेरी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लम से मेरा मस्कन मदीना हो कहो आमीन मेरा मस्कन मदीना हो हमारा मस्कन मदीना हो कारी साहब का मस्कन मदीना हो रफीक साहब का मस्कन मदीना हो मुआज़ भाई का मस्कन मदीना हो महमूद साहब का मस्कन मदीना हो हम सब का मस्कन मदीना हो मेरा मदफन मदीना हो उठूं तो ये सदा उठूं तो ये सदा अब्दुल सत्तार पीए को सर का जाना आजकल उस दौर के अंदर सारे मुआशरे के अंदर बेशुमार बीमारियां और बुराइयां और अयूब पाए जाते हैं उन्हें अयूब और बीमारियों के अंदर सब तो एक जो बड़ी चीज मैंने नजर आती है वो है बदजन हो जाना किसी के मुतालिक बदगुमानी इख्तियार कर लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है और बदगुमान हो जाना बदगुमानी करना अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अहले ईमान को मुखातिब करके कहा है कि तुसी किसी को बदगुमानी नहीं करनी है जो तुम इज्तनाब करना है आइए अल्लाह का कुरान सुमाद फरमा अल्लाह पाक फरमांदे नहीं अल्लाह पाक फरमांदे ने ईमान का दावा करने वालो अपने आप मोमिन मुसलमान कहने वालो ईमान वालो तुसी बदगुमानी नहीं करनी हसीयत रखते ने अज कर टुट जाते ने बदगुमानियों की वजह तो अज रिश्तेदारियां खत्म हो जाती ने बदगुमानियों की वजह तो अज दोस्त दोस्त हाथ छड़ जाता बदगुमानी की वजह तो यार यार दे काम नहीं आता बदगुमानी की वजह तो मुक्तदी अपने इमाम तो बदगुमान हो जाता है इमाम अपने मुक्तदी तो बदगुमान हो जाता है अगर आबाद फासियों जरा पैगाम ना देना चाहता वा है शोहर अपनी बीवी तो बदगुमान हो जाता है बीवी अपने शोहर तो बदगुमान हो जाती है तलाक तक नौबत चली जाती है हद तक तलाक हो जाती है घर टूट जाते हैं बाजुकात रंग नंबर तो कॉल आ जाए शोहर को पता चल जाए कि मेरी बीवी के नंबर पे किसी की कॉल आई है तो फौरन बदगुमान हो जाएगा हाँ गलत नंबर मिलिया हो हाँ कोई तंग करने वाला होए फौरन तलाक तक बात चली जाती है इस वास्ते हल्के कायनात फरमान देने और कायनात के अंदर रहने वाले लोगों या अय्युह अल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़मी इन्ना बाज़ज़मी इस्मा तुसी बदगुमान जड़े ने गुनाह होंदे ने इस वास्ते बदगुमानी नहीं करनी बल्कि अपनी सोच नु मुस्बत रखना है अपनी सोच पॉजिटिव रखना पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करो पॉजिटिव मुस्बत सोच अपने अंदर पैदा कर लो कामयाब हो जाओगे और इस दुनिया जहान के अंदर एदे दे बगैर इंसान का गुजारा भी नहीं अगर अगर कारोबार किया जा रहे एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के बारे अगर उसने जन नहीं रखेगा ओदे ते ट्रस्ट नहीं
नहीं करेगा। अगर बंदा किसी रिश्ता करना चाहता है, जब तक उसने जन नहीं रखेगा कि अच्छे लोग ने, उस वक्त तक रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे भाई, दुनिया के जितने मामले आप ने, उनके अंदर उसने जन का होना बहुत जरूरी है, अच्छे गुमान का होना जरूरी है। आज मेरे भाइयों, तबाही और बर्बादी कर रही है साड़ी बदगुमानी और बदजन हो जाना। मेरे भाइयों, साड़ी मुआशरी जड़ा दी अंदर बैठ रही है, इस वास्ते इस तो ऐब तो बच जाओ। अल्लाह पाक फरमान बारे की गुमान है, खालके कायनात बारे, मालके समाज बारे तुसी की ख्याल रखते हो? अल्लाह के बारे इंसान बदगुमान नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए है, अल्लाह के गिले शिकवे नहीं करने चाहिए है। और अज इस प्रोग्राम के तवज्जो दे नाल मैं दसना चाहना वा, दो वक्त ऐसे इंसान की जिंदगी अंदर आते हैं जो इंसान रब्बुल आलमीन तो भी बदसन हो जाता है, बदगुमानी करता है। पहला वक्त वक्त मुख्तसर है, पहला वक्त इंसान की जिंदगी के अंदर है। इंसान जो किसी चीज की ख्वाहिश करता है और शदीद ख्वाहिश करता है, इंसान की तमन्ना है मैनू गड्डी मिल जाए, मैनू कोठी मिल जाए, मैनू कार मिल जाए, मैनू फलां डिग्री मिल जाए। इंसान की शदीद ख्वाहिश के बावजूद उन्हें चीज मुयसर नहीं आती, उन्होंने नहीं मिलती, इंसान ते शैतान हमला कर देता है। शैतान हमला करता है, कहना देख तैनू तेरे रब ने छड़ दिता है, अल्लाह के गिले शिकवे करना शुरू कर देता है। ऐ नूरे दा मालिक दे सानात किस कदर ज्यादा ने, मेरे वीर ते मेरे भाई जरा सोचियो करना है। खालिक कायनात ने अगर तेरी उस ख्वाहिश नु पूरा नहीं किया, रब दे बारे की गुमान है। फमाअन्नकुम रब्बुल आलमीन, रब के बारे की गुमान है, अल्लाह के बारे की ख्याल रखते हो? अगर मेरे मालिक की रजा ही है, अंदर हो सकता है मेरा फायदा हो, हो सकता है ये अंदर मेरी निजात होए, मेरी कामयाबी होए, जेड़ी चीज मैं मांग रही हूं हो सकता है मेरे वास्ते नुकसान दे होए। बस एक बंदा कहे मैनू कार मिल जाए, हो सकता है उस कार दे नाल उहदा एक्सीडेंट हो जाए या और भी दा नुकसान हो जाए। बंदा कहे मेरे कोल पैसे आ जान, पैसे दी ख्वाहिश करता है, हो सकता है वो पैसा उहदी जान दा दुश्मन बन जाए। इस वास्ते अगर ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, उस मौके ते शैतान हमला करता है और इंसान नु गुमराह करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बारे अंदर गुमान अच्छा रखना है, रब्बुल आलमीन दे बारे अच्छा गुमान रखना है कि मेरा रब मैनू जाया नहीं करेगा है। आइए दूसरी बात, इंसान दा कोई नुकसान हो जाए उस वक्त भी शैतान इंसान पे हमला कर देता है। अल्लाह दे बारे बदगुमानी, इंसान दे अल्लाह दे बारे अंदर बदगुमानी पैदा कर देता है कि नुकसान हो जाए। ये अल्लाह दे गिले शिकवे इंसान करता है, नुकसान भी हो जाए, अल्लाह की नाशुक्री और गिले शिकवे नहीं करने। आइए बात मुख्तसर करा, मेरे दुआ दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेटा इब्राहिम दुनिया तो जा रहा है, आखिरी वक्त बेटे दा, और मेरे पैगंबर ने अपने बेटे नु खत्ता ते उठाया है, और नबी पाक दी मरीना औलाद है, और इब्राहिम ओ इब्राहिम है जिदे जान दे भाई मेरे पैगंबर नु गालियां दित्तियां गईयां है, मेरे पैगंबर नु ताने मारे गए, नबी पाक अली सलाम दे बारे आंदा है। जालिमां ने कहा नऊज बिल्ला, मुहम्मद अली सलाम दी ते नस्ल ही कट गई है, मुहम्मद अली सलाम दी ते जनाम नाम ही मिट जाएगा है। खालिक कायनात मार के हुस्मा ने लोगों नु दस जड़िया है, ओए औलादां दे नाल नाम नहीं बनिया करदा, औलादां दे नाल नाम नहीं हुंदा, मरीना औलाद होए या ना होए, जिन्हों रब नाम देवे ओदा नाम जगमगांदा है। इमाम बुखारी दी औलाद कोई नहीं, अज दुनिया दे हर कोने अंदर इमाम बुखारी दा नाम लिया जांदा है। मेरे महबूब पैगंबर नु ताने मारे गए, लेकिन मेरे महबूब अली सलाम ने बेटे नु उठाया है, अखां तो आंसू जारी ने, नबी पाक अली सलाम दी अखां तो आंसू जारी ने, नबी पाक अली सलाम दे कोल अब्दुल रहमान इब्ने औफ आए, आके नबी पाक दे कंधे ते हाथ रखे आए, कहने महबूब
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਮਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਏਗੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਤਰਤੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਆਸੂ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਏਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੁਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਮੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈਓ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ ਕਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਮਾਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਏ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਹੰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਹੰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਹੰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਮਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਗਾਲਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ।